I am right on time for Cozy Vanilla Bourbon from Bath and Body Works. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. $7.99 sale, jaise hi lagi, I quickly ordered Cozy Vanilla Bourbon from Bath and Body Works. Kyunki Bath and Body Works ne hume sirf curious karke chhod diya tha aur iska body wash stock mein leke aaye, lekin body mist nahi leke aaye. Finally, I have it in my hand. I really hope is video ko main time rehte upload kar paun so that you can make your decisions whether to buy this or not. So I'll talk in depth about Cozy Vanilla Bourbon just in a bit, so let's quickly roll the intro. बिल्कुल फ्रेश वनीला ब्लॉसम्स वाली पैकेजिंग है, सेम कलर थीम, सेम पैकेजिंग, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी सूदिंग टू द आईज. इसके नोट्स में हमारे पास हैं वॉर्म बर्बन, डार्क फ्रूट एंड वनीला लिकर. नाउ नोट्स तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बट वी नीड टू फिगर आउट व्हाट दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक. इसकी एक स्वीट फ्रूटी, लाइक डार्क फ्रूटी ओपनिंग होती है, बट मोर लाइक मिक्स्ड फ्रूट्स. थोड़ा सा बूजी फील है इसमें, तो स्वीटनेस और बूजीनेस एक साथ टेक ओवर करती है इसमें इन द मिडल समवेयर. और बेस में आते आते इसका वो वॉर्म वनिला और बर्बन दोनों ही बहुत अच्छे से डेवलप होता है. ये बहुत अच्छी कोजी वनिला फ्रेग्रेंस है, देयर आर एब्सोल्युटली नो डाउट्स अबाउट दैट. लेकिन जब मैंने इसे स्मेल किया, इट मेड मी थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई विल टेल यू व्हाट. एंड लेटर इन द वीडियो आई एम आल्सो गोइंग टू गिव यू अ कंपैरिजन बिटवीन फ्रेश वनिला ब्लॉसम्स एंड कोजी वनिला बर्बन. लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं. तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी स्वीट वॉर्म बर्बन और वनिला का मिक्स है, जिसमें कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा फ्रूटीनेस, बहुत हल्की सी फ्रूटीनेस और बहुत हल्की सी बूजीनेस है. लेकिन अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाना चाहूँ कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है, तो अगर आपने फायरसाइड फ्लरीज को स्मेल किया है और आपने बेयर वनिला फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट को स्मेल किया है, उन दोनों ही फ्रेग्रेंसेस को अगर मिक्स कर दिया जाए तो कोजी वनिला बर्बन बन जाएगा. इसमें हल्का सा हिंट बेरी एलिक्सर का भी है, जो बेरी एलिक्सर में जो वो थोड़ा सा बर्बन वाला वनिला वाला नोट है ना, इसकी सिमिलैरिटी उसके साथ भी है. और बहुत ही आई कैन से इट विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल कोजी वनिला बर्बन फ्रेग्रेंस फॉर दी गोमॉन फ्रेग्रेंस लवर्स. लेकिन इसका जो फ्रूटी और लिकर का नोट है, वो इसको स्लाइट लिफ्ट देता है इन द बैकग्राउंड. ये एकदम वनिला बीन नोएल जैसी वॉर्म और डेंस और विंटर अप्रोप्रिएट वनिला फ्रेग्रेंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट ऑल ईयर राउंड वनिला फ्रेग्रेंस है. तो जिन सभी फ्रेग्रेंसेस की मैंने अभी बात की, उन्हें अगर आप मिला देंगे तो आपको एक ये बहुत अच्छा ब्लेंड मिलेगा. जिन लोगों को बेयर वनिला पसंद है और उसका एक मॉडिफाइड या एक स्लाइटली, वेरी वेरी स्लाइटली ब्राइटर बट स्टिल कीपिंग थिंग्स ऑन द कोजियर साइड वाला वर्जन अगर आप चाहेंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस रहेगा. ऑल इन ऑल आई कैन से कि ये एक सुपर स्वीट वॉर्म और डेंस वनिला फ्रेग्रेंस है, जिसमें बहुत स्लाइट फ्रेशनेस है बैकग्राउंड में, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है. अगर आप ऑलरेडी बेयर वनिला, विक्टोरिया सीक्रेट का या फायरसाइड फ्लरीज यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस स्मेल किया है. लेकिन अगर उन दोनों में से आपने कुछ भी अभी तक ट्राई नहीं किया है और उन दोनों को ही आप देख रहे थे और आप चाहते हैं कि उसका एक कोजियर, डीपर, स्वीटर वर्जन आपको मिले, या ये कह लो कि बेयर वनिला का एक मॉडिफाइड वर्जन आपको मिले, तो डेफिनेटली आप कोजी वनिला बर्बन की तरफ जा सकते हैं. डू आई एब्सोल्युटली लव इट? आई स्टिल कैन से कि आई लाइक माई बेयर वनिला फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट मोर एंड आई लाइक वनिला बीन नोएल मोर, क्योंकि उनकी थोड़ी सी यू नो डेंसिटी ज़्यादा है इसमें, जो वो एक लाइट और ब्राइट नोट बैकग्राउंड में क्रिएट करने की कोशिश की है विद फ्रूट्स एंड लिकर, वो थोड़ा सा इसको यू नो ऑलमोस्ट लाइक ऑल ईयर अप्रोप्रिएट बना रहा है. सो आई कैन से कि ये एक लाइट और कोजी वनिला स्वीट फ्रेग्रेंस है, विच डज नॉट हैव समथिंग वेरी यूनिक और समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. लेकिन अगर एक स्लिपिंग इनटू द बेयर और स्मेलिंग लाइक अ कोजी एंड सॉफ्ट एंड फजी वनिला, अगर उस तरह का वाइब आप फॉलो करना चाहेंगे और उस तरह का फ्रेग्रेंस आप लगाना चाहेंगे, तो उस केस में कोजी वनिला बर्बन एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये अभी $7.99 के प्राइस रेंज में अवेलेबल है.
जहाँ तक इसकी लॉन्जिविटी की बात है, आई डोंट नो पर्सनली, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। आई कैन गेट इजीली 4 to 5 hours फ्रॉम दिस फ्रेगरेंस। इनफैक्ट एवरी टाइम आई वॉज पुटिंग दिस ऑन, मैं हाथ भी धो के आ रही थी ना, तो ये फ्रेगरेंस इट वॉज लिंगरिंग ऑन माई स्किन। तो उतने एक्सपीरियंस से मैं भी बोल सकती हूँ कि ये लास्टिंग फ्रेगरेंस रहेगी, और क्योंकि इसका DNA भी ऐसा है और थोड़ा सा डीप और स्वीट DNA है, तो उस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी लास्टिंग रहेगी कंपेयर टू फ्रेश वनीला ब्लॉसम्स। अगर आप कंपैरिजन चाह रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, नाउ लेट मी से कि इसके कंपैरिजन में फ्रेश वनीला ब्लॉसम्स एक फ्लोरली टेक है एक कोजी वनीला फ्रेगरेंस पे। तो इनके अंदर एक स्लाइट डिफरेंस है, ये जहाँ पे एकदम कोजी सॉफ्ट और स्वीट है, वो ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा सेंशुअल फ्लोरल और थोड़ा सा यू नो मच्योर साइड पे है। दिस डज नॉट हैव एन एज बार टू इट, इसको कोई भी लगा सकता है, एस्पेशली फॉर स्टेइंग एट होम और फॉर द कोजी टाइम्स ऑफ द कडल्स विद योर पार्टनर टाइम एंड समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम के लिए ये किसी के लिए भी अप्रोप्रिएट हो सकता है, लेकिन फ्रेश वनीला ब्लॉसम्स एक थोड़ा सा मच्योर फ्रेगरेंस है और वो फ्लोरल साइड पे है। सो इफ फ्लोरल एंड वनीला इज अ कॉम्बिनेशन दैट यू वुड लाइक टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ, और अगर आप थोड़ा सा मोन गर्लॉन का वाइब मैच करना चाहेंगे, देन गो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रेश वनीला ब्लॉसम्स। आई हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट एज वेल, आप जाके देख सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्यूरियस हैं तो। बट फॉर नाउ आई कैन से दिस हैज़ बीन अ ग्रेट परचेज फॉर मी। जिस तरह अगर आपको बूजी या लिकर वाली फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं है, उस तरह का नोट आपको फ्रेगरेंसेस में पसंद नहीं है, या बाई एनी चांस आपको फायर साइड फ्लरीज में जो वो एक फ्रेश नोट है ना बैकग्राउंड में मार्शमेलो और लैवेंडर का मिलके जो एक फ्रेश नोट बनता है उसमें, अगर वो चीज़ आपको पसंद नहीं है ना, देन स्टे अवे फ्रॉम दिस फ्रेगरेंस। बट इफ दैट इज समथिंग दैट यू लाइक, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कोजी वनीला बर्बन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अभी भी यही हैं और मुझे देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिल रहा है गाइज, एंड आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर दिस। सो प्लीज टेक अ सेकेंड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लुकिंग ब्यूटीफुल, कीप स्मेलिंग गुड, हैव अ ग्रेट डे ऑल, बाय बाय। हाँ।